तो आज आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि जो एनटीपीसी की 12th वाली वैकेंसी आई हुई है वो चार पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है ये हमारी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सॉरी टाइपिस्ट रह गए यहाँ पर, ठीक है टाइपिस्ट, और चौथी है ट्रेन क्लर्क। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी पोस्ट का क्या काम है, कितनी सैलरी है, और इनमें से टीटी बनना है तो कौन सी पोस्ट भरें। ठीक है, बहुत से लोग ट्रेन क्लर्क टीसी को टीटी समझ लेंगे जो टिकट चेक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चारों के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, इनकी सैलरी कितनी होती है और इनका काम क्या होता है। टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेरे भाई सीसीटीसी। पिछले बार ये पोस्ट सबसे ज्यादा डिमांडिंग रही थी, इस बार भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली है वो इसी पोस्ट की निकली है। सीसीटीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और अगर सिंपल भाषा में बोल दूं तो यही जो टीटी महोदय आपको दिख रहे हैं टिकट चेक करते हुए, यही है सीसीटीसी। मतलब अगर आप सीसीटीसी पास करते हैं तो फिर आप यही बनेंगे। ठीक है, तो जो जो लोग टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं तो वो सीसीटीसी आप भरिए। यहां पर मैं कई चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, इनकी ड्यूटी क्या होती है, क्या काम होता है। तो आपकी ड्यूटी टिकट चेक करने में स्लीपर डब्बों में, जनरल कोच में, स्टेशन सेक्शन में या फिर टिकट काउंटर पर भी लगाई जा सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस जॉब के जो फायदे हैं अगर आप इसको पहले नंबर पर भरते हैं तो इसके फायदे क्या हैं अगर आप ये बनते हैं? पहली बात, बाकी पोस्ट के मुकाबले इसमें पैसे ज्यादा हैं। दूसरी बात, आपके हाथ में पावर होगी। आपके रिश्तेदार हैं, अब हम हैं भाई, हम लोको पायलट हैं पर हम अपने रिश्तेदारों को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है तो सीधी सी बात है जो हमारे टीटी भाई लोग हैं वो अपने जानने वालों की हमसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उनके हाथ में ज्यादा पावर है। नुकसान क्या क्या है? नुकसान देखिए, बहुत सी जॉब के मुकाबले आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान है ऐसा वैसा, पर फिर भी मैं इन चार जॉब्स को कंपेयर करते हुए इनमें फायदे और नुकसान बता रहा हूं, है ना, सिर्फ इन चार जॉब्स को कंपेयर करते हुए जो निकली है वैकेंसी। पहला नुकसान है कि बाकी जॉब के जो बाकी वैकेंसी जो हमारी पोस्ट हैं टाइपिस्ट वगैरह की, उनके मुकाबले इसमें नाइट की ड्यूटी भी रहेगी। उनमें नाइट की ड्यूटी तो रहेगी नहीं, इसमें ट्रैवलिंग जॉब भी है। ट्रैवलिंग का मतलब है कि आप गाड़ी लेके गए, आप कहीं पर गए गाड़ी लेके, अब आप वहां पर रुकेंगे, ठीक है, वहां पर आप रात को रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर वापस आएंगे। तो हो सकता है आपको वापस घर आने में 30 घंटे लग जाए, एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, ठीक है, और इस तरह से आपकी ट्रेवलिंग वाली जॉब हो जाती है। हालांकि उसका अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, तो सैलरी आपकी 8-10 हज़ार रुपये मिनिमम और बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे यार सैलरी कितनी रहेंगी, तो मोटी मोटी सैलरी 40 मान लो, और अगर आप ट्रेन में चल रहे हो तो मोटी मोटी सैलरी 50 हज़ार मान लो, सैलरी की बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई, समझ गए सीसीटीसी कौन होते हैं, क्या काम होता है। अगर आप मतलब अब आप कंफ्यूज तो नहीं रहेंगे ना, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कौन होते हैं। ठीक है, अच्छा, तैयारी के लिए मेरे दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ जो आएगी वो 30 नंबर की आएगी, रीजनिंग जो आएगी 30 नंबर की आएगी, जीए जो आएगी वो 40 नंबर की आएगी। किरण पब्लिकेशन की मैथ रीजनिंग की वो वाली बुक ले लेना जिन पे लिखा हो चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जीए की इस बुक के अलावा एक और बुक मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। थ्योरी के साथ जब आप क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो चांसेस हैं कि पेपर में थ्योरी भले ही भूल जाओ पर ऑप्शन देख के आपको आंसर याद आ जाए, तो सवाल सही होने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा पीवाई की बुक, इसमें क्या होगा, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो होंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी, तो इससे आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी का पेपर कैसा होता है। ये तो जरूरी बुक है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त, किरण पब्लिकेशन की बुक्स है, अच्छी बुक्स है। अगली पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इनकी जो ड्यूटी होती है मैक्सिमम डीआरएम ऑफिस होती है। डीआरएम ऑफिस कहाँ होते हैं? जो भी डिवीजन होता है, डिवीजन, ठीक है, मतलब सबसे पहले एक बहुत बड़ा डिवीजन होगा, उसके अंडर में कई सारी लॉबीज होंगी। अभी समझा देता हूँ क्या क्या होता है ये। लॉबी क्या होती है, जैसे यहाँ से ट्रेन चली और एक कोई भी लगभग 100-200 किलोमीटर बाद जहां पर अब वो लोको पायलट को चेंज किया जाएगा, अब यहाँ से अगले लोको पायलट बैठेंगे वो इसके आगे ट्रेन ले जाएंगे, तो ये लॉबी हो गई। फिर यहाँ से लोको पायलट, ये ट्रेन वाले लोको पायलट यहाँ तक ट्रेन ले जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, ये वाले लोको पायलट आगे ले जाएंगे, तो ये लॉबी हो गई। चेंजिंग पॉइंट को आप लॉबी बोल सकती हो। यही आपको मिलती है जो आपकी लोको पायलट में पोस्टिंग होती है लॉबी में होती है, पर इन सभी लॉबियों का पूरे एक डिवीजन का एक सेंटर होता है जहां पर सारे अधिकारी बैठते हैं, डीआरएम जो है हमारे वो बैठते हैं,
ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी, और उसी ऑफिस को बोलते हैं डीआरएम ऑफिस। इन सभी कर्मचारियों के, हर स्टेशन पे, लॉबियों पे काम करने वाले लोगों के कोई ना कोई वहां पर रिकॉर्ड होते हैं। आपका सैलरी का काम हो गया, आपके अदर रिकॉर्ड्स हो गए, ये सभी काम डीआरएम ऑफिस से निपटाए जाते हैं। तो डीआरएम ऑफिस में मैक्सिमम जॉब रहती है, 10 to 5 जॉब है, बिल्कुल ऑफिस टाइमिंग वाली, वीकेंड ऑफ रहता है आपका। और समस्या क्या आ सकती है, समस्या ये आ सकती है कि मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल फिक्स सैलरी है, आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते, मोटे मोटे करीब करीब 34-35 हज़ार रुपये बैठेंगे आपके महीने के, ठीक है। हाँ, वो प्रमोशन के बाद बढ़ जाते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो अगर नुकसान की बात करी जाए, नुकसान इस नौकरी में कोई नहीं है, बहुत अच्छी सुकून वाली नौकरी है। इसके साथ साथ आप आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, अगर आप और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम मिलेगा आपको। पर अगर मैं इन चार पोस्ट में कंपेयर करूं और इसका कुछ नुकसान निकालूं तो वो यही निकलेगा कि सैलरी कम होती है। अगली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेम सैलरी है मेरे दोस्त, सेम सैलरी है, ठीक है, वही इसमें भी नुकसान है, वही इसमें भी जॉब है, पर इसमें इसमें बस ये चेंज आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ डीआरएम ऑफिस में बैठते हैं, और ये वाले टाइपिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में भेजे जा सकते हैं, जहां पर भी टाइपिस्ट की जरूरत हो। वो किसी स्टेशन पे हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी शेड में हो सकते हैं, वो किसी के ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि डीआरएम ऑफिस में ही रहे। अब हो सकता है वो जहां पर पहुंचे हों वहां पर शिफ्ट डे और नाइट दोनों की लगती हो, तो कभी कभी आपकी भी नाइट की लगेगी, हो सकता है वहां पर संडे का ऑफ ना होता हो, वीकेंड ऑफ ना होता हो, तो ये हल्की सी समस्या है, ठीक है। तो दोनों पोस्ट अपनी अपनी जगह है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों का बस लोकेशन चेंज है, उनका डीआरएम ऑफिस है, इनका डीआरएम ऑफिस के अलावा जहां पर भी जरूरत है वहां पर भेज देते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट है मेरे दोस्त ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क का आपको समझ में अभी नहीं आएगा, जब कभी आप मालगाड़ी में काम करोगे, मालगाड़ी में, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग को पायलट हैं, हम किसी स्टेशन पर भेज दिए या अपने स्टेशन पर आ गए ड्यूटी शुरू करने, वहां पर हमने देखा एक लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी है और उसमें सामान लादा जा रहा है। अब हमें यह कौन बताएगा, या स्टेशन मास्टर को या कंट्रोलर को कौन बताएगा कि ये ट्रेन कितने बजे जाएगी, ये बात बताएगा ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क, ठीक है, टीएनसी बोलते हैं इनको, ये सब ब्यौरा रखेगा और ये बताएगा कि भाई साहब ये जो ट्रेन इस समय खाली हो रही है या इसमें सामान लद रहा है, ये 5 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद इस ट्रेन को यहां पर ले जाया जाएगा, ये सामान मान लीजिए पंजाब का है तो पंजाब में ले जाया जाएगा, और वहां पर ले जाने के बाद मतलब ये सारी डिटेल ट्रेन क्लर्क देगा, ठीक है। अब मान लो कोई भरी हुई गाड़ी आई, वो खाली हो रही है, तब भी ट्रेन क्लर्क बताएगा कि ये सामान इतने बजे तक खाली हो जाएगा और मुझे इतने बजे इस पर लोको पायलट चाहिए जिससे कि ये ट्रेन यहां से जा सके, ठीक है। तो मालगाड़ी का जो मैनेजमेंट करता है वो करता है ट्रेन क्लर्क। इसके बाद इसमें कौन कौन से डब्बे जुड़े हैं उसकी पूरी लिस्ट है ना, उनके नंबर होते हैं, ये सब काम ट्रेन क्लर्क के होते हैं। थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले, सिर्फ इन, वैसे अच्छी जॉब है, पर इन चार के मुकाबले हल्की सी हेक्टिक जॉब कह सकते हो, डे और नाइट की जॉब है ये तो पूरी तरह से, मालगाड़ी तो दिन रात चलती है, सैलरी लगभग वही 35 हज़ार के आसपास, ठीक है। और इसमें फायदा क्या है कि बस आप स्टेशन पे ही रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं है। तो मेरे दोस्त ये चार पोस्ट हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप किस बेसिस पे चूज कर सकते हैं, पहली तो इस बेसिस पे कि भाई मेरा तो सपना है टीटी बनने का, मुझे तो पैसे ज्यादा कमाने हैं, है ना, मुझे तो पावर चाहिए, तो सीसीटीसी की पोस्ट इन सब से बेहतर है, उसमें कोई दोराय वाली बात है ही नहीं। हो सकता है कुछ लड़कियां फॉर्म भरें और वो कहें यार मुझे तो ऑफिस टाइप की जॉब चाहिए, सबसे सही है उनके लिए सेकंड नंबर वाली अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो जो पहली प्रेफरेंस यही होनी चाहिए लड़कों के हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से आप ये रख सकते हैं, और बाकी आपके चूज मतलब पसंद के ऊपर है। देखो मैंने आपको सबकी सैलरी बता दी, मैंने सबके फायदे नुकसान बता दिए मेरे दोस्त, ठीक है, और सबके काम बता दिए क्या क्या काम होते हैं, ठीक, आपको वर्क प्लेस बता दी कि आपको कहाँ काम करना पड़ेगा। अब अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी ये समझने में कि यार ये जो पोस्ट निकली हैं इनका क्या काम है और हमारी क्या सैलरी होगी, क्या काम रहेगा। चलिए, कोई समस्या हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।